विषय है, ये विष के समान है। अगर आप सिर्फ वहीं पर फंसे हुए हो तो अमृत क्या है? अमृत जिसको ग्रहण करने के बाद, जिसका सेवन करने के बाद आप अमर हो जाते हो। अमर कौन होता है और अमर कैसे होता है? अमर कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता, बॉडी तो अमर है ही नहीं, तो अमर क्या होता है? आत्मा। आत्मा तो अमर ही है। तो एक्चुअल में क्या है वो अमृत? वो है ज्ञान। और ज्ञान को सुनने के लिए एक आदमी सुर होना चाहिए, असुर नहीं होना चाहिए, यानी वो विषयों में एंटैंगल नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं कि 24 घंटे सिर्फ उसके दिमाग में पैसा 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 ही घूम रहा है, या फिर लोग घूम रहे हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये वो व्हाटएवर, या और चीजें घूम रही है, न्यूज घूम रही है, दुनिया जहान की सारी बातें घूम रही है, ये सब क्या विषय है? तो वो वहीं एंटैंगल्ड है। तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो इन सब चीजों से कनेक्टेड है, लेकिन उसको यूज कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, बस एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए, बस उसकी लिमिटेशन उसने देख ली है कि इट इज रिक्वायर्ड, मनी इज रिक्वायर्ड फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ, दैट्स इट। ना उससे ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है, ना उससे कम, वहां तक उसने देख लिया है और उस कंफर्टेबल लाइफ को भी अचीव कर लिया है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।